सिम्बायोसिस विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में प्रदेश के राज्यपाल श्री लालजी टंडन ने छात्र छात्राओं को डिग्रियां प्रदान की। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश के उच्च शिक्षा एवं खेल मंत्री जीतू पटवारी भी मौजूद रहे। इंदौर में स्थित सिम्बायोसिस विश्वविद्यालय की प्रथम दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के राज्यपाल श्री लालजी टंडन ने कहा कि इस विश्वविद्यालय से नौकर नहीं बल्कि स्वाभिमानी छात्र छात्राएं निकलेंगे, क्योंकि इस विश्वविद्यालय ने स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से छात्र छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है। राज्यपाल टंडन ने कहा कि स्किल डेवलपमेंट पद्धति भारत की देन है। भले ही हमें देशों से अन्य चीजें भी सीखना चाहिए, लेकिन यह पद्धति हमारे भारत में ही विकसित हुई है। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री श्री जीतू पटवारी ने कहा कि उद्योग जगत की आवश्यकता के अनुसार ही हमें स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा का यह अंत नहीं है बल्कि अब शुरुआत हुई है। राज्यपाल श्री टंडन ने छात्र छात्राओं को विश्वविद्यालय की डिग्रियां प्रदान की। विश्वविद्यालय की कुलपति स्वाति मजूमदार ने विश्वविद्यालय की कार्य योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर रेणु जैन और शिक्षा जगत के अन्य विशिष्ट जन मौजूद थे। जब इस शिक्षा पद्धति से और स्वाभिमानी छात्र निकलेंगे, नौकर नहीं निकलेंगे, इंजीनियर निकलेंगे, डॉक्टर निकलेंगे, व्यवसाय क्षेत्र निकलेंगे, कलाकार निकलेंगे, तो हर एक को अपने आप अपने हाथों से अपने जीवन का निर्वाह एक बदलाव की तरफ है। और ये जो आपकी यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट है, ये आज की भारतीय सोच है, ये दुनिया का नहीं है। दुनिया में बहुत तरह इस तरह चल रहे हैं, उनसे हमें ग्रहण करने में कोई परेशान नहीं है, लेकिन ये दिमाग में रखना चाहिए ये सब हमारी देन है। ये पहला बैच निकला और ये पहला कन्वोकेशन है। मैं इस बदलते हुए भारत की एक छोटी सी तस्वीर देखकर अपने को महसूस करता हूं कि ऐसी भी एक इंडस्ट्री हमारे वहां बढ़ रही है, बन रही है, तैयार हो रही है, चल रही है, लेकिन इसके विकास के भी बहुत बाकी है। कभी कोई चीज पूर्ण नहीं होती, तो इसलिए जब कभी भी ये अपने पूरे वैभव पर पहुंचेगा ये विश्वविद्यालय, उस दिन न केवल इसके शिक्षकों का बल्कि उन सब का भी नाम इतिहास में आएगा जो ऐसे विश्व एक संस्था को बनाने में अपना आर्थिक सहयोग दे रहे हैं, अपनी भागीदारी दे रहे हैं, अपना मार्गदर्शन दे रहे हैं और एक नए भारत के नए शिक्षा पद्धति को जन्म दे रहे हैं। आज बड़ी खुशी है कि मध्य प्रदेश में जो वातावरण है उस शिक्षा विभाग का, उसमें दो महत्वपूर्ण आयाम, एक ऐसा व्यक्तित्व जो शिक्षा की बागडोर उच्च शिक्षा के खासकर संभाल रहे हैं, राज्यपाल जी चूंकि हमारे इस पूरे सेक्टर के मुखिया होते हैं, उनकी सोच, उनका विचार, काम करने का उनका तरीका बहुत कम समय में, मैं मानता हूं कि मुझे तो बहुत मैं प्रभावित हुआ उनसे। और आप सबसे अनुरोध करता हूं, चूंकि मेरी कॉन्स्टेंसी का हिस्सा भी है, आप सब परिवार के लोग, हम सब सिम्बायोसिस एक ऐसा नाम है, जोरदार तालियों से उनके स्वागत होना चाहिए। माननीय राज्यपाल जी का हमेशा सोच पॉजिटिविटी सकारात्मकता से उस शिक्षा के वो मापदंड जो विश्व भर में दुनिया भर में, और माँ रोजगार से जोड़ के बच्चों को प्लेसमेंट कैसे दें, साथ ही साथ वो शिक्षा जिस पर मानवीय मूल्य और भारतीय सांस्कृतिक परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा, इसका हमेशा फोकस रहते हुए पर्यावरण पर जोर रहता है,
और मैं खुशी है मुझे जब से वो आए हैं मेरे भी काम करने के कौशल में थोड़ा परिवर्तन हुआ है और थोड़ी थोड़ी ठीक ठाक मैं कोशिश करता हूँ सर के आपके मार्गदर्शन में करता रहा। साथ ही साथ मुख्यमंत्री कमलनाथ जी भी चूंकि एजुकेशन इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए उनका एक सोच भी है और प्रत्यक्ष तरीके से भी वो जुड़े हुए हैं तो उनका भी हमेशा मानना इस बात का रहता है कि देश में और विश्व में मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा के मापदंडों को नंबर वन लाना है तो जन भागीदारी बगैर प्राइवेट भागीदारी बगैर वो संभव सिर्फ सरकार के नज़रिए से नहीं हो सकता है। तो हम खुले मन से खुले दिमाग से दोनों हाथ खोल के प्राइवेट जन भागीदारी का उच्च शिक्षा में स्वागत करते हैं और आपका इस नाते हर तरीके से हर तरीके का अर्थ होता है फिजिकली भी और हर तरीके का अर्थ होता है प्रशासनिक भी। हम आप लोगों के मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। मैं मानता हूं कि सिम्बायसिस जो संस्थान है 1971 में एक मूल सूत्र वाक्य वसुधैव कुटुंबकम जिसका विश्व एक परिवार दुनिया भर के मानवीय वेदनाओं को संवेदनाओं को समेटे हुए एक विचार के साथ संस्था आपने चालू की सर मैं मानता हूं कि दुनिया में सबसे अच्छा कोई संस्थान देश में सबसे अच्छा संस्थान है। हम भाग्यशाली हैं कि इंदौर में आपने इतना बढ़िया बढ़िया इंस्टीट्यूट लेके आए। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ साधुवाद देता हूँ। आज सोच औद्योगिक जगत की डिमांड क्या है उस तरह का प्रोडक्ट तैयार करें और औद्योगिक जगत से पूछ के करें। स्किल पर जोर स्किल यूनिवर्सिटी अपने आप में ये मानता है कि मैं रोजगार प्रैक्टिकल है शिक्षा प्रैक्टिकल रूप में मूर्त रूप ले रही है। मैं आपको बधाई देता हूँ धन्यवाद देता हूँ कि आपने फिर से यहाँ पर ये इतना बढ़िया संस्थान लाए। बच्चों आज आप लोगों को शिक्षा का अंत या शिक्षा का आरंभ मैं तो ऐसा मानता हूँ। प्रोफेसर रणछोड़दास जी को जानते हो आप लोग सेट करके इस उम्र में चलना पड़ेगा। आपको टारगेट करा और उसके पीछे दौड़े नहीं तो समय निकल जाएगा। यही दौर होता है यही समय होता है जो अपने मन में भावना है उसको पूर्णता देने की और किसी ने किसी प्रकार कोई एक्सक्यूज किया कोई बहाने बनाए किसी प्रकार के पिताजी के माताजी के संपत्ति होगी पर मैंने क्या किया मैंने क्या दिया ये भाव जब तक आप में जिएंगे नहीं आप मानेंगे नहीं। मैं मानता हूं कि आपकी शिक्षा अधूरी है तो आप सबका जो शिक्षा का आज आरंभ हुआ है मैं अंत नहीं बोलता हूं तो आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज आवश्यकता है समाज में एक रोजगार मुखी शिक्षा की आज आवश्यकता है मानवीय आधार पर एक सद्गुण वाली शिक्षा की पर्यावरण से प्रेम करने वाली शिक्षा की भारतीय संस्कार और देशभक्ति भरे भाव वाली शिक्षा की गुरु शिष्य परंपरा की भारतीय परंपराओं की शिक्षा की। मैं मानता हूं कि आपकी शिक्षा की पूर्णता उस दिन आएगी जिस दिन आप रोजगार आर्थिक उन्नति अपने अपने बिजनेस आर्थिक संपत्ति बढ़ाने के साथ साथ इन मापदंडों को पूरा करेंगे तब जाकर हम लोग सफलता आपके एजुकेशन संस्थान को भी आप पे गर्व होगा आपके माता पिता को भी आप पर गर्व होगा। मैं फिर से एक बार आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि ये देश गौतम बुद्ध का है महावीर का है महात्मा गांधी का है अलग अलग धर्मों के गुरुओं का है उन्होंने सब ने किसी धर्म का हो किसी ने ये नहीं कहा कि आप अच्छे हिंदू बनो कि अच्छे मुसलमान सब ने ये कहा कि आप अच्छे इंसान बनो और वही माता पिता भी हमें सिखाते हैं। आप सब अच्छी मानवीय संवेदनाओं के साथ आपका जीवन आरंभ करो उज्जवल बनो सबको ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ पूरे सिम्बायसिस परिवार को एक बार फिर ढेर सारी शुभकामनाएं।